अब की बार 75 पार। इसी नारे के साथ बीजेपी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरी है, लिहाजा बीजेपी के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में रिटायर्ड नेवी चीफ सुनील नांबा से मिले, तो चंडीगढ़ में रिटायर्ड जज SS भल्ला से मुलाकात की। दोनों ही हस्तियों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट सौंपी। पार्टी के नाते भी, हमने सरकार के नाते भी कुछ बातें की, बहुत सी बातें उनको जानकारी है क्योंकि इज वेल लर्नेड पर्सन, तो उनको सब जानकारियां हैं। फिर भी हमने आपस में चर्चा की है और उन्हें, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं समाज में कुछ अच्छा काम, खास करके एक नेशनल थिंकिंग के व्यक्ति होने के नाते से देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है, तो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए उन्होंने ऑफर किया है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों का हम सामाजिक दिशा देने के लिए, समाज में एक राष्ट्रीय संस्कार पैदा करने के लिए कोई भी जो अवसर का उपयोग हम उनके लिए जरूर करेंगे। जैसे 1966 में हरियाणा बना गया और 66 और अभी बहुत ही यंग स्टेट है और इसने छोटे समय में जो भी पिछली सरकार और ये सरकार उन्होंने मिलजुल के काम किया और हरियाणा स्टेट एकदम ऊपर की चोटी पे अमंग्स ऑल द स्टेट्स इन इंडिया और जो स्कीमें बनाई हैं हैज टेकन द स्टेट फॉरवर्ड। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर तेज है, एक दो दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी मिशन 75 को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, फिर सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।